टॉयलेट सीट हमेशा सफेद ही क्यों होती है? कैसे लोग पानी पूरी बेच के करोड़पति बनाए हैं? सच्चाई जान के आप दंग रह जाओगे। और क्यों आपको पेट्रोल सुबह 6 बजे से पहले भराना चाहिए? और इंडिया में टीवी चैनल्स पैसे कैसे कमाते हैं, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, इंडिया के कानपुर शहर में जितने करोड़पति रहते हैं उन सब में से 256 लोग ऐसे थे जो पानी पूरी या बेल पूरी का ठेला लगाते थे। हाँ, आपने सही सुना, कानपुर जैसे शहर में 256 पानीपुरी वाले करोड़पति हैं। नंबर 19, सारे फोन्स की अपनी अपनी खासियत होती है। अभी हम आपको फोन को लेके पब्लिक के ओपिनियन बताएंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस और स्पीड IQ फोन का है और बेस्ट बैटरी लाइफ पोको की। बेस्ट कैमरा तो ऑफ कोर्स आईफोन का है और बेस्ट डिस्प्ले और बेस्ट सॉफ्टवेयर लोग OnePlus का मानते हैं। नंबर 18, सबवे सफर ये गेम आपको पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि इस गेम को बनाने की वजह क्या थी? आप जान के चौंक जाओगे, इस गेम को नॉर्मल गेम की तरह नहीं बल्कि एक ट्रिब्यूट के लिए बनाया गया था। इस गेम के क्रिएटर का एक बच्चा था जिसकी स्केटिंग करते हुए ट्रेन के सामने आके मौत हो गई थी और इसीलिए उसके पापा ने फिर अपने बच्चे के ट्रिब्यूट के लिए ये गेम बनाई थी। और ये गेम कितना पॉपुलर है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, इसके 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। नंबर 17, अगर आपको कभी दूर जाना है और उसके लिए आपको पेट्रोल भरवाना है तो हमेशा पेट्रोल सुबह 6 बजे से पहले भरवाना चाहिए, क्योंकि 6 बजे के बाद सूरज आ जाता है। इसलिए धूप की वजह से पेट्रोल हीट होके एक्सपैंड हो जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और फिर आपको सेम पैसे में कम पेट्रोल मिलता है। और ये बात पेट्रोल की नहीं है, डीजल के लिए भी है, तो इसीलिए हमेशा 6 से पहले पेट्रोल फिल करवाना चाहिए। नंबर 16, आप थर्मस बॉटल को तो जानते ही होंगे और आप अपने साथ एक बॉटल तो रखते होंगे, पर एक्चुअली में ये जो थर्मस नाम है ये एक पॉपुलर कंपनी का नाम है। इसीलिए जो भी कंपनी ऐसे हीट प्रिजर्विंग बॉटल बनाती है उसे लोग थर्मस बॉटल का ही नाम दे देते हैं। नंबर 15, हर साल UAE बस ट्रैफिक तोड़ने वाले लोगों से फीस लेके $35 बिलियन जनरेट करता है। ये उनकी GDP का 9% है और इसके दो रीजन है। पहला, यहाँ रोड रूल्स बहुत लोग तोड़ते हैं और सेकंड कि इसका फाइन बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत रूल तोड़ने की वजह से इन लोगों ने फाइन बढ़ा दिया है पर फिर भी रूल तोड़ना कम नहीं हुआ और इसीलिए अब इनकी 9% इनकम तो यही से हो जाती है। नंबर 14, क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे करप्टेड कंट्री कौन सी है? वो है सोमालिया। ये कंट्री बहुत ही ज्यादा करप्टेड है, यहाँ के लोगों को एक भी ढंग का राइट नहीं मिलता। और रही बात सबसे ऑनेस्ट कंट्री की तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में बाकी किसी भी देश के मुकाबले 75% कम झूठ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। नंबर 13, मार्वल के टोनी स्टार्क का ये जो फर्स्ट आयरन मैन सूट था इसे एक्चुअली में बनाया गया था ताकि आयरन मैन उसे पहन सके और इस सूट को बनाने में $3,25,000 का खर्च हुआ था। और ये मूवी लॉन्च होने के 3 मंथ बाद ये आयरन मैन सूट स्टूडियो से चोरी हो गया और ये आज तक नहीं मिला है। और इसके बाद सारे सूट्स के मोस्टली पार्ट CGI से बनाए जाते हैं। नंबर 12, अगर आप किसी बच्चे को उसके सच बोलने के लिए डांटते हो, यानी कि बच्चे ने कुछ मस्ती की और उसने आपको सच बता दिया, फिर भी अगर आप उसे डांटते हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि ऐसे करने से बच्चों को झूठ बोलने की आदत लग जाती है और फिर बच्चे जिंदगी भर तक अपने झूठ बोलने की आदत को छोड़ नहीं पाते। नंबर 11, अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी का डाइज लेते हो तो उसके अंदर आपको जो डाई मिलेगा वो डबल डाई होता है, यानी कि अगर खेल खेल के वो डाई टूट जाता है तो उसके बाद उसके अंदर से और एक डाई मिलता है। वो पहले वाले साइज में छोटा होता है पर काफी अच्छी क्वालिटी का ही होता है। कई लोग ये नहीं जानते क्योंकि आजकल ऐसे बोर्ड गेम्स लोग बहुत ही कम खेलते हैं। नंबर 10, आपने ये तो कई बार सुना होगा कि क्रोकोडाइल की चमड़ी से बैग्स बनाए जाते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये बैग्स बनाने के पहले क्रोकोडाइल की चमड़ी कैसे दिखती है? तो ये देखो, ये है बैग बनाने के पहले क्रोकोडाइल की स्किन जिसे क्लियर कर दिया है, क्योंकि क्रोकोडाइल के ओरिजिनल स्किन में कांटे होते हैं, उसे क्लीन करके उसके ऊपर कलर कर दिया गया है और फिर इसको फोल्ड करके इसके बैग्स बनाए जाएंगे। नंबर 9, क्या आपको पता है कि एक पिज्जा खाने से वो आपकी बॉडी को बहुत नुकसान करता है? अगर उस नुकसान को टाइम से कंपेयर करें तो आप जो एक पिज्जा खाते हो वो आपकी जिंदगी के 7 मिनट और 18 सेकंड कम कर देता है। बैंक में FDs 5% तक रिटर्न देते हैं पर पिछले एक साल में शेयर मार्केट की निफ्टी की वैल्यू 60% तक बढ़ चुकी है। एक्सपर्ट का मानना है कि मार्केट आने वाले वक्त में और भी बढ़ेगा, तो आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्ट करने के लिए आपको DMAT अकाउंट चाहिए। 5 पैसा के साथ आप फ्री DMAT अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ये 0% ब्रोकरेज और सिर्फ फ्लैट
₹8.20 पर ऑर्डर चार्ज करते हैं। इनका यूजर इंटरफेस भी काफी सिंपल टू यूज है। 5paisa ऐप आप 8 लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हैं। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलती है। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इनका कस्टमर सपोर्ट भी काफी फास्ट एंड इफेक्टिव है। इनफैक्ट आप US स्टॉक्स जैसे एप्पल और नेटफ्लिक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपके लिए 5paisa स्कूल ऐप भी है। 5paisa स्कूल से आप कहीं भी और कभी भी नॉलेज गेन कर सकते हो, यानी अब इन्वेस्ट करना हुआ और भी आसान। अब तो सबको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। नंबर 8, आपको इस थ्योरी के बारे में पता ही होगा कि डायनासोर को एस्ट्रॉइड ने खत्म किया था। पर क्या आपको पता है कि इससे जुड़ी एक और थ्योरी है? दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो उससे एस्ट्रॉइड की वजह से ही बना है, क्योंकि परफेक्ट वो साइज का है जितना बड़ा एस्ट्रॉइड चाहिए किसी भी जीव को कम्प्लीटली खत्म करने के लिए। और अमेजन फॉरेस्ट इतना कमाल का है कि वो दूसरी दुनिया का ही लगता है। इसीलिए ये थ्योरी है कि एस्ट्रॉइड वही पर गिरा होगा जितने एरिया में अमेजन फॉरेस्ट है, क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट की जमीन अर्थ की सारी जमीन से ज्यादा फर्टिलाइज्ड है। नंबर 7, आपको ये पेड़ तो दिख ही रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पेड़ स्पेस में जाके आया है, अपोलो 11 के दौरान इस पेड़ के बीच को गलती से स्पेस में ले जाया गया था और फिर वापस आने के बाद इसको यहाँ बो दिया गया। सबको लगा था कि ये नहीं उगेगा, पर ये उगा और ये नॉर्मल साइज से 5 गुना बड़ा है। लोग मानते हैं कि ये किसी तरह से स्पेस से जुड़ा है। नंबर 6, आप जब भी गुस्से में या स्ट्रेस में होते हो तो आपका दिमाग लिटरली हीट अप हो जाता है और गर्म होने लगता है, पर अगर तभी आप स्माइल करने लगो तो आपका दिमाग जल्दी से कूल डाउन हो जाएगा, तो तब हमारा दिमाग ज्यादा सोचता नहीं और मोमेंट को एंजॉय करता है। नंबर 5, साउथ कोरिया में रास्ते के बीच ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि इतनी जगह वेस्ट होती होगी तो आप गलत हो। ये एक साइकिलिंग का रास्ता है और ऊपर आम रूफ लगाने की जगह सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, ताकि रास्ता भी बन जाए, सोलर एनर्जी भी मिले और जितने लोग साइकिल यूज कर रहे हैं उससे पोल्यूशन भी कम होगा। ये ऑल इन वन परफेक्ट प्लान है। नंबर 4, आप इस पिजन को देखो। पहली नजर से देखने में आपको ऐसा लगा होगा जैसे इस पिजन को किसी ने गोली मारी हो या इसको चोट लगी हो, पर दरअसल ये खास पिजन की ब्रीड है जिसके गले के पास ऐसे रेड निशान होते हैं। ये रेड फेदर खास जेनेटिक म्यूटेशन से आता है। इसकी वजह से कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे चोट तो नहीं लगी है। नंबर 3, आपने कई मूवी और कार्टून्स में देखा होगा कि एलिफेंट जो होती है वो चूहे से डरती है, पर एक्चुअली में ये सच नहीं है। हाथी बस चूहे से नहीं डरती, दरअसल हाथी की नजरें बहुत कमजोर होती है और वो बहुत स्लो होते हैं, इसलिए हाथी हर छोटी और फास्ट हिल रही चीजों से डर जाती है। अगर आप कोई भी छोटी और फास्ट चल रही चीज हाथी की तरफ डालोगे तो हाथी उसे डर के पीछे होने लगेगी। नंबर 2, इंडिया में जो टीवी चैनल्स होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं? अगर आपने कभी ये सोचा है तो आज आपको इसका जवाब मिलेगा। तो टीवी चैनल 4 तरीके से पैसे कमाते हैं। सबसे पहला तरीका है हमसे, हम जो उन्हें पैसे देते हैं उससे वो पैसे कमाते हैं, पर ये तो उनके इनकम का बस 5% है। हम जो साल का उन्हें ₹3,000 देते हैं उससे उनका खर्चा भी नहीं निकलता। फिर सबसे मेन तरीका है एड्स का। टीवी चैनल एड्स के थ्रू काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं और एड्स में भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मिनट के एड उतने ज्यादा पैसे। और सारे चैनल्स पर अलग अलग प्राइस होती है, जैसे ज्यादा TRP मिलने वाले चैनल्स पर ज्यादा पैसे मिलते हैं। आप सुन के चौंक जाओगे, पर इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच में पर सेकंड की एड लगाने का 1 लाख से ज्यादा पैसे लगते हैं। नॉर्मल एड 30 सेकंड की होती है, यानी कि ₹30 लाख। और तीसरा तरीका है प्रीमियम चैनल्स, या प्रीमियम चैनल्स का आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। और फोर्थ तरीका है स्पॉन्सरशिप। वैसे तो स्पॉन्सरशिप के मैक्सिमम पैसे शोज ही रखते हैं जिसपे स्पॉन्सरशिप हो रहा है, पर फिर भी कुछ परसेंटेज वो कमाते हैं। तो टोटल में एक चैनल 80% एड से कमाता है और 5% हम से, 5% स्पॉन्सर से और बचे हुए 10% प्रीमियम चैनल से, जैसे HD चैनल। नंबर 1, टॉयलेट सीट जो होती है वो हमेशा सफेद ही क्यों होती है? टॉयलेट सीट में अलग अलग कलर क्यों नहीं किए जाते? तो दरअसल टॉयलेट सीट एक खास टाइप के सिरेमिक से बनाया जाता है जो नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है, और फिर टॉयलेट सीट को अलग कलर करने में ज्यादा पैसे लगेंगे और कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो ज्यादातर कंपनी व्हाइट कलर ही रहने देती है और व्हाइट कलर में गंदगी भी अच्छे से दिखती है। और कुछ कंपनी है जो कस्टम कलरफुल टॉयलेट बनाते हैं, पर वो कॉस्टली आने की वजह से उसे बहुत कम ही लोग यूज करते हैं।
वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अमेजिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।